नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों का सुर बहार में पुरखलूस स्वागत है। दोस्तों, हमारे फिल्मी सफरनामे में आज हम बात करेंगे उस महान अदाकारा की जिनको फातिमा से बेबी रानी, बेबी रानी से नरगिस, नरगिस से नरगिस दत्त और फिर मदर इंडिया के खिताब तक की एक यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरगिस दत्त जी की। दोस्तों, आपकी पैदाइश कोलकाता में हुई, आपका फैमिली पंजाबी फैमिली था जो माइग्रेट करके यहाँ आया था और आपका पैदाइशी दिन था 1 जून 1929। दोस्तों, पर्दे का नाम नरगिस को नरगिस दिया महान जो फिल्म डायरेक्टर थे महबूब खान जी, उन्होंने वो नाम दिया। और जब 6 साल की थी तब वो बेबी रानी के नाम से रोल किया करती थी। उनकी माताजी जदन बाई भी एक बहुत ही मशहूर क्लासिकल सिंगर थी और सारे भारत में, और उस वक्त तो पार्टीशन नहीं हुआ था इसलिए बैरे सगीर सारे में उसका एक बहुत बड़ा नाम था। दोस्तों, चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका में उन्होंने कई फिल्में की और उसके बाद सबसे पहली फिल्म उसको मिली 1942 में, जिनका नाम था तमन्ना। उसके बाद तुरंत उसको महबूब खान की ओर से एक और फिल्म मिली जो 1943 में आई और जिसमें हीरो की भूमिका में मोतीलाल जी थे और उस फिल्म का नाम था तकदीर। दोस्तों, उसके बाद हुमायूं, जोगन, बरसात, अंदाज, आवारा, लाहौर, दीदार, श्री 420, चोरी चोरी, आह और कई फिल्में, और उसके साथ साथ द ग्रेट मदर इंडिया। 1940 से लेकर 1967 तक का उसका फिल्मी सफर बहुत ही बेहतरीन रहा। 11 मार्च 1958 को उन्होंने अपने साथ जो मदर इंडिया में भूमिका करते थे बिरजू जी, जी हाँ, सुनील दत्त जी के साथ उन्होंने शादी की। उनका विवाह होकर वो फिर एक जिंदगी के नए दौर में आ गई, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम नरगिस दत्त की भूमिका की जो अलग अलग पहचान थी उसको बताने वाले थोड़े से उसके गाने हमने लिए हैं। उस गानों की क्लिपिंग आप देखें और उसकी भूमिका को आप परखें, फिर से उसका जायका लें। उसके बाद हम और बातें भी आपसे शेयर करेंगे, तो आइए देखते हैं थोड़े से क्लिपिंग। बाबू करोगा जी, 5 रुपया दरोगा को दई हूँ, 5 रुपया दरोगा को दई हूँ, 10 दई हूँ कोतवाल, 10 दई हूँ कोतवाल। बाला जो बनवा फिर रंगिया को दई हूँ, बाला जो बनवा फिर रंगिया को दई हूँ, सैया को लई हूँ चुड़ार। बाला जो बनवा फिर रंगिया को दई हूँ, सैया को लई हूँ चुड़ार। दरोगा जी होए बाबू दरोगा जी, कोने कसूर पे धर ले सैया मो, बाबू दरोगा जी होए।
खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवाली ओ हरियाली मतवाली खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवाली ओ हरियाली मतवाली ऐसे में ओ प्रीतम प्यारे आए या तिहारी हो आए या तिहारी ऐसे में ओ प्रीतम प्यारे आए या तिहारी हो आए या तिहारी गरी राजा सजन गर राजा जरा उनके रफ्ता को आवाज देना आइए तू ऐसी ही
हमार प्यार के यूं ही जमा रहे दोस्तों। नरगिस दत्त जी को उनकी फिल्मों के कई शानदार अदाकारी के लिए अवार्डों से नवाजा गया, उनमें 1957 में सबसे पहली बार उनको मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 1958 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री इल्काब से नवाजा और वो पहली सिने अभिनेत्री थी जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। 1968 में नेशनल अवार्ड उसको मिला, वो उनकी बेस्ट अदाकारी थी फिल्म रात और दिन के लिए। 1969 में उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया उसी फिल्म की अदाकारी के लिए। 2001 में जब वो हमारे बीच में नहीं थी लेकिन उनका काम और उसका फन हमारे बीच में ज़रूर था, उस वक्त उसको बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड दिया गया, जो हीरो होंडा और स्टार डस्ट जैसी बहुत ही बड़ी फिल्म मैगजीन्स की ओर से दिया जाता है, वो उनको मिला। और उनके साथ आज के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को भी उस अवार्ड में शेयर किया गया था। दोस्तों तो ये रहा उसका बहुत बड़ा फिल्मी करियर। अब हम आपको सुनाते हैं अपरा म्यूजिक की ओर से मुंबई के एक लाइव प्रोग्राम में उनको दी गई एक ट्रिब्यूट, और वो उस गीत से दी गई है जिस गीत पर महबूब खान साहब बहुत ही खुश रहा करते थे। जब महबूब खान साहब बीमार थे तो उन्होंने लता जी को कहा कि आप मुझे फ़ोन पर ये गीत सुनाइए, और लता जी उनको बार बार वो गीत सुनाती थी और उनकी तबीयत इस तरह से खुशहाल हो जाती थी। तो आइए हम भी सुनते हैं वो यादगार गीत। जी हाँ, रसिक वलमा, आइए सुनते हैं। Oh,
दोस्तों, शादी के बाद नरगिस दत्त जी ने सुनील दत्त जी के साथ मिलकर सोशल काम शुरू किया और वो जनता की खिदमत करती रही। दोस्तों, उन्होंने अजंता आर्ट कल्चरल ट्रूप बनाया और वो शो करता रहता था। उन्होंने अपाहिज बच्चों के लिए भी काफ़ी फंड राइज किया और बहुत कुछ काम किया। उसकी इस सोशल खिदमत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में उसको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेटेड किया और वहाँ से उसका एक दूसरा करियर भी शुरू हो गया। लेकिन इसी बीच अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई और उनको एक ऐसी बीमारी आ गई जिनसे वो उभर ना सकी। तो दोस्तों, नरगिस का ये महकता फूल एक दिन इसी बीमारी में मुरझा के हमसे बिछड़ गया। वो दिन था 3 मई 1981। दोस्तों, आज भी नरगिस दत्त मेमोरियल फाउंडेशंस कैंसर के मरीजों के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है। उसकी याद में एक नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है जिनका नाम है नरगिस दत्त अवार्ड। उसके नाम से मुंबई की एक सड़क को भी नरगिस दत्त नाम दिया गया है। इस तरह से हमारे समाज में काफ़ी नरगिस दत्त की याद कायम रखने के लिए कोशिश हुई है। दोस्तों, नरगिस दत्त जी ने हमारी औरत को एक जगह दी। सारी दुनिया में हमारी औरत की एक स्ट्रगल दिखाई और अपनी अदाकारी और अपने फन से हमारी औरतों को जीने के लिए कुव्वत दी। वो कुव्वत जो थी वो नरगिस जी के फन से मिली और हमारे देश की और बड़े सगीर की औरतों की जो सोसाइटी में जो उसकी जो जगह थी उनमें उन्होंने कहा कि वो स्ट्रगल करे, मेहनत करे और ईमानदारी से अपनी आवाज़ उठाए। दोस्तों, जब हम मदर इंडिया का वो पोस्टर देखते हैं तो हमें याद आ जाती है कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाइड के लिए ले जाया जाता था तब उन्होंने इसी तरह से क्रॉस उठाया था और उनकी आंखें नम थी, उनकी आंखें उदास थी और उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी भी थी जो आने वाले कल को देख रही थी। दोस्तों, फातिमा से बेबी रानी, बेबी रानी से नरगिस और नरगिस से नरगिस दत्त और बाद में मदर इंडिया बनी उस नरगिस जी को हमारा लाखों लाखों सलाम। दोस्तों, जब दिलीप साहब से नरगिस जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। तो दोस्तों, अंबाजी को इजाज़त दीजिए, ऐसी महान फनकारा हमारे बीच में जो आई थी उनको हम हमेशा के लिए याद रखें। बस आज तो इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको नरगिस जी का वो गीत सुनाने जा रहे हैं जिनमें वो नसीहत देती है कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे गीतों में एक ताकत होती है, एक ऐसी कुव्वत होती है जो हमें जीने का एक अंदाज देती है, जो हमें जीने के लिए सहारा देती है। तो हम चलते हैं, आप सुनिए वो गीत। नमस्कार, धन्यवाद और अल्लाह।